आज जो हमारा लेक्चर थर्ड है टैकियोमेट्रिक सर्वेइंग का, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी, दैट इज डी हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी फ्रॉम द स्टेशन पॉइंट टू द जहाँ पे हमने स्टाफ को रखा था, डी किसके बराबर आया था, एफ बाई आई इंटू एस, एस वॉज ओवर इंटरसेप्ट प्लस एफ प्लस डी, ठीक है, यहाँ तक हमारा आया था। अब जो एफ बाई आई है, मैंने उस समय भी बोला था आपको एफ बाई आई किसके बराबर है, एफ बाई इज अ मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट और जो एफ प्लस डी है वो क्या है, एडिटिव कॉन्स्टेंट। ठीक, आज हम देखेंगे जो फिक्स्ड हेयर मेथड है, कौन सा वाला मेथड, फिक्स्ड हेयर मेथड, क्योंकि आपके सिलेबस में भी यही वाला मेथड है। फिक्स्ड हेयर मेथड में हम करते क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो केसेस होते हैं, केस कौन कौन सा, केस केस वन केस टू। केस वन में जब हमारा स्टाफ साइट हॉरिजॉन्टल है, स्टाफ भी वर्टिकल है, जब हमारा साइट हॉरिजॉन्टल एंड स्टाफ इज ऑब्वियसली वर्टिकल। सेकंड केस जो हमारा है, साइट इज एलिवेटेड, यहाँ पे जो हमारा लाइन ऑफ साइट क्या है, इंक्लाइनेड, लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइनेड, और जो हमारा स्टाफ है या तो वर्टिकल होगा या तो इंक्लाइन होगा, जहाँ जो हम करते हैं, जो हमारा स्टाफ होता है वो हम वर्टिकल ही रखते हैं, क्या रखते हैं, वर्टिकल, उसी में हम कैलकुलेशन करके इंक्लाइनेड का भी करते हैं, जो हमारा ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ होता है वो हम वर्टिकल स्टाफ ही रखते हैं, ठीक है। अब हम पहले केस में, केस वन जो हमारा था वो हमने लास्ट टाइम भी किया था, लास्ट टाइम हमने किया था जब हमें क्या निकालना होता है, डी, डी का वैल्यू, डी का वैल्यू क्या निकला था हमारा, एफ बाई आई इंटू एस प्लस एफ प्लस डी, या तो एफ बाई आई को मैं लिख सकता हूँ के बराबर के एस प्लस एफ प्लस डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी के बराबर, जो हमारा डी का वैल्यू है वो इस तरीके से आ गया हमारे पास, ठीक है। और जो वहाँ पे हमारे वर्टिकल डिस्टेंस थी, दैट मीन्स वी, वी भी हमने निकाला था, वो कैसे निकाला था हमने, जो सेंटर का मिडल पॉइंट होता है टू द ग्राउंड लेवल, ठीक है, जो सेंटर ऑफ द साइट टू द ग्राउंड लेवल जो डिस्टेंस होती है, दैट मीन्स जो हमारी रीडिंग आ जाएगी यहाँ पे टू द ग्राउंड, वो हमारा क्या होगा, वी, ठीक है, दैट मीन्स वी को हम क्या कह सकते हैं, एच, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, समझ आ रही मेरी बात। तो ये तो हमारा पहला वाला केस हो गया, अब केस सेकंड पे आते हैं, केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड, व्हेन लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड, उस समय हमारे पास क्या होता है, ठीक है, उस समय क्या होता है, जो हमारा स्टेशन होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है, जब हमारा स्टेशन यहाँ पे होता है या तो ग्राउंड अप हिल होगा या तो ग्राउंड डाउन हिल होगा, वन एंड सेम थिंग। अब जो हमारा स्टाफ है वो यहाँ पे खड़ा है, हमने क्या माना है, यहाँ पे हम स्टाफ को वर्टिकल मान के चलते हैं, ठीक है, स्टाफ है हमारा यहाँ पे, जो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट होगी पहले तो वो इस तरीके से होगी,
दैट मीन्स ए और बी के दरमियान की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एस स्टाफ इंटरसेप्ट। ठीक है, फ्रॉम हियर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे तो ये क्या बन गया मेरा, बी वर्टिकल हाइट। ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करेंगे, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालता हूँ इस तरीके का इंक्लाइन नेचर। ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये वाला पोर्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो मेरा ये वाला एंगल है ये अल्फ़ा है, ये वाला एंगल भी अल्फ़ा है। ये ज़्यादा माइन्यूट एंगल, ये ज़्यादा आपको उसकी तवज्जो नहीं देखनी है उस पर, और आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ये वाला एंगल देखना है, दिस इज थीटा, जो हम निकालते थे हर जगह। तो जब ये वाला एंगल हमारा थीटा है, यहाँ की तरफ देखो, अगर मैं सेम ये वाला लाइन पैरेलल है इस वाले लाइन की, इस तरीके से, इस तरीके से ये वाली दो लाइनें मैंने ड्रा की। ठीक है, ये वाली मिडल लाइन हो गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूँगा, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। ये कौन सा वाला एंगल है, दिस इज द थीटा एंगल, जो यहाँ पे बन रहा है ये वाला थीटा एंगल, तो ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और चीज़ है इस तरीके से, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किस किसके बराबर होगा, इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल होगा बराबर 90 माइनस थीटा। ठीक है, जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से इसको एक्सटेंड करेंगे दिस विल बी 90 डिग्री, और जो ये वाला भी एंगल होगा थीटा ही होगा। समझ आ रही है मेरे पास, दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला एंगल क्या है, थीटा, और ये वाला एंगल भी क्या है, थीटा। मान लो दिस इज माई ए डैश एंड दिस इज माई बी डैश। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ तक, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ए डैश और बी डैश, अगर मैं ए डैश और बी डैश को निकालने की बात कर रहा हूँ, ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा, मैं ए बी निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ए बी किसके बराबर होगा, ए डैश बी डैश कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, अगर जिसको समझ नहीं आया होगा ये वाला, वो मैं उसको कल ऑनलाइन क्लास में बताऊँगा ये किस तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन होती है, हमारे पास क्या इक्वेशन, डी किसके बराबर है, जो हमारा डी है वो किसके बराबर होगा, ये तो डी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मान लो ये वाला एल है यहाँ से यहाँ तक। अब इस ट्रायंगल में देखो, ये मान लो ओ है, इस ट्रायंगल में देखो ये मान लो सी है, इस ट्रायंगल में देखो ओ पी, मान लो ये ओ पी सी, इन ट्रायंगल ओ पी सी, ये क्या है, 90 डिग्री है, ये क्या है, थीटा है, और ये वाला एंगल मुझे निकालना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मुझे एल की डिस्टेंस निकालनी होगी, वो एल कैसे बराबर, एल कैसे निकलेगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से, एल इज इक्वल टू जो डी है, डी किसके बराबर होगा, एल कॉस ऑफ थीटा, सिंपल। इसमें ना आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ना कुछ, और जो एल है वो लास्ट जो हमने पढ़ा था वहाँ पे वो एज ए डी था। ठीक है, जो एल होगा वो क्या था, बराबर हमारा एफ बाय आई। ओ यहाँ पे हमें खास ध्यान देना है, जो एस है यहाँ पे वो है ए डैश बी डैश, याद रखना। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा अपना है, ये वाला कॉस ऑफ थीटा प्लस एफ प्लस डी कॉस ऑफ थीटा, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक, अब इसके बाद हम ये वाला पोर्शन ए डैश बी डैश, तो हमारा पहले से ही हमने निकाल के रखा है, ए बी किसके बराबर है, ए डैश बी डैश कॉस ऑफ थीटा, ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ए बी कॉस ऑफ थीटा, सॉरी। ठीक, क्योंकि जो हमारा अल्फा का एंगल है वो माइन्यूट है, जब हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो इन कंपैरिजन विद दोज, दैट मीन्स ए ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा, ए बी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ये अल्फा
एक जगह 90 प्लस थीटा बन जाएगा, 90 प्लस अल्फा बन जाएगा, दूसरी बार 90 माइनस अल्फा बन जाएगा। समझ आ रही मेरे बात? तो ए डैश बी डैश के बराबर होगा ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर। अब डी का वैल्यू सीधा हम पुट करते हैं, डी किसके बराबर होगा, एफ बाई आई, ए डैश बी डैश ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर है, कॉस ऑफ थीटा अपना है ठीक है, प्लस एफ प्लस डी कॉस ऑफ थीटा अपना है ठीक है, एफ बाई आई ए बी किसके बराबर है, स्टाफ इंटरसेप्ट दैट इज एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ प्लस डी कॉस ऑफ थीटा ठीक है। और जो वी है, वी किसके बराबर निकलेगा आपका, वी इज इक्वल टू डी टेन ऑफ थीटा, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली ये याद रखना है और डी का वैल्यू याद रखना है, डी का वैल्यू किस तरीके से हम निकालते हैं, डी का वैल्यू ये आ जाएगा और वी का वैल्यू आपको ये वाला आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिप्रेशन में जब हम निकालते हैं वहाँ पे डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, और जो एलिवेशन में हम जब निकालते हैं वहाँ पे आपको आर एल कैसे निकालते हैं।